आज मैं इसे पहली बार अपने फेस पे ट्राई किया और इसका जो रिजल्ट है आप लोग देख सकते हैं, इतना अच्छा, मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा ये काम कर सकता है। अगर सब कुछ लगाने के बाद भी आपके फेस से एक भी बाल नहीं निकलता है तो आज एक मैजिकल रेमेडी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। इसका जो रिजल्ट है 100 to 100% आपके फेस पे दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्किन का खूब सारा ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि आज मैं किस तरह का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पे पोस्ट होती रहती है, लेकिन आज जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इसके बारे में पहली बार शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही आप इसे लगाएंगे फर्स्ट यूज में आपके फेस से काफी सारा बाल एक बार में क्लीन करेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है, जो स्टेप बता रही हूँ जिस तरीके से बता रही हूँ उसे आपको फॉलो करना है। उसके बाद से आपको कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहीं पार्लर जाने का जरूरत पड़ेगा अपने फेशियल हेयर को साफ करने के लिए। ये आपके चेहरे से बालों को तो क्लीन करेगा ही, साथ में आपके रंगत को भी निखारेगा। दिन प्रतिदिन आपका जो कलर है ना, सांवलापन फेस पे बहुत ज्यादा हो गया है, वो दिन प्रतिदिन साफ होता जाएगा, आपका स्किन फेयर होता जाएगा। ये आपके फेस पे दो तरह से काम करने वाला है। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। रिजल्ट में आप लोग को दिखा चुकी हूँ कि कितना अच्छा ये काम किया है फर्स्ट यूज में। तो अगर आपके फेस पे चाहे कितने भी मोटे तीखे बाल हो, या तो हेयर्स की ग्रोथ काफी ज्यादा हो, मोटा काफी ज्यादा हेयर्स की प्रॉब्लम हो, जैसे कि जो लोग अपने फेस पे बार बार थ्रेडिंग कराते हैं ना, तो दोबारा से जो बाल आता है, या तो रेजर का यूज करते हैं तो उसका जो जड़ है काफी ज्यादा मजबूत होता है और वो बाल होम रेमेडी के थ्रू क्लीन ही नहीं होता है। पर ये मैजिकल रेमेडी चाहे कितने भी मोटे बाल हो उस पर भी ये काम करेगा। तो इसे किस तरीके से बनाना है, फेस पे लगाने का तरीका क्या है, पूरी जानकारी आप लोग को देने वाली हूँ, बस वीडियो पर बने रहिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर सब कुछ आप करके देख चुकी हैं तो ये थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके काम आ सकता है। क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारा मिल जाएगा लेकिन काम कोई नहीं करता है, लेकिन इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लेती हैं तो मेरी गारंटी है ये आपके फेस पे 100 to 100% काम करेगा। तो हम ज्यादा बातें आप लोग नहीं करने वाले हैं, इस रेमेडी के बारे में हम जान लेते हैं कि बनाना कैसे है। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक करके अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पे देखने को मिलेगा। तो न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बहुत सारी बातें हो गई है, चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है और इस रेमेडी को कितने एज के लोग अपने फेस पे लगा सकते हैं। क्या आपका ये 40-45 साल है तब भी आप इसे लगा सकती हैं? ये सारे सवालों के जवाब आगे आपको वीडियो में मिलेगा। आपके फेस पे हेयर्स की ग्रोथ चाहे जैसा भी हो, इस सोल्यूशन को रात को लगा करके छोड़िएगा अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहती हैं तो। तो इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक क्लीन बाउल, और इसमें हम जो ले रहे हैं फ्रेंड ये क्या है कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। चलिए मैं ही बता दे रही हूँ कि ये क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे लिए हैं पोटैटो का जूस यानी कि आलू का रस। तो इसे बनाने के लिए थोड़ा सा 10 मिनट पहले आलू को कद्दूकस करके रख दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा थिक पानी मिल सके, उसका स्टार्च हमें मिल सके। तो 10 मिनट पहले आलू को कद्दूकस करके रख दीजिएगा। अगर आलू थोड़ा सा काला भी पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे जो आलू लिए थे ना ये काला नहीं पड़ा है। तो आपको करना क्या है, जब आलू को कद्दूकस करके रखेंगी तो 10 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगी ना तो नीचे काफ़ी सारा पाउडर आपको मिलेगा जो कि स्टार्च होता है, उसे ही हमें चाहिए, वो बालों को इंस्टेंट क्लीन करता है। और जो पानी है ना, फिर उस पानी को आपको अलग कर लेना है और स्टार्च आपको ले लेना है 1 चम्मच भर के। मैं एक बार के लिए इसे तैयार कर रही हूँ और इसमें हम 5 से 6 बूंद ले रहे हैं नींबू का रस। अगर आप जो आलू का रस ले रही हैं काला पड़ गया है, जैसे ही आप इसमें नींबू का रस डालेंगी ना उसका कलर चेंज हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। तो नींबू का रस इसमें लेना ही लेना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपकी स्किन को सूट ना करता हो तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, 1 से 2 बूंद ले लीजिएगा, ठीक है जी। नींबू का रस डालने के बाद तीसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वो है फिटकरी यानी कि एलम। फिटकरी का पाउडर हमें यहाँ पे लेना है, तो थोड़ा सा फिटकरी को लेकर अच्छे से क्रश कर लीजिएगा ताकि उसका पाउडर बनके तैयार हो जाए।
उसके बाद से हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं फिटकरी की ज़रूरत है, थोड़ा सा ही हम यहाँ पे लिए हैं, आधा स्पून से भी कम, और इसमें डालकर हमें स्पून से अच्छे से मिक्स करना है ताकि थोड़ा मोड़ा जो फिटकरी का दाना है ना वो इसमें घुल जाए। उसके बाद से अब इसे हमें फेस पे लगाना कैसे है वो तो आगे आप लोग को वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, अपने फेस पे भी लगा करके दिखाऊंगी। इसे बनाते समय आपको ये गलती नहीं करना है, देखिए फिटकरी की क्वांटिटी आपको बहुत कम रखना है, और दूसरी इसे बना करके आपको रखना नहीं है, रख देंगी दोबारा से लगाएंगी तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों के स्किन पे हेयर्स की प्रॉब्लम है, तो इस रेमेडी को बच्चों के फेस पे मत लगाइएगा, उसके लिए बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप 30 पार कर चुकी हैं तो फिर ये रेमेडी आपके लिए बेस्ट है, 100% ये काम करेगा। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये थोड़ा सा थिक टाइप का हो गया है। अब इसे फेस पे लगाना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। तो रेमेडी बनाने का तरीका तो आप लोग को पता चल गया कि इसे बनाना कैसे है और कितना इजी है, इसे बच्चे भी तैयार कर सकते हैं। पर एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि इसे बना करके आपको रखना नहीं है। अगर रखेंगी दोबारा से फेस पे लगाएंगी तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये आपके फेस पे काम भी नहीं करेगा। तो बना करके रखना नहीं है, बहुत थोड़ा सा बनाइएगा और एक बार में वो खत्म हो जाए। अगर आपका एज 20 साल से कम है तो फिर आप इसे अपने फेस पे मत लगाइएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकती हैं। बहुत अच्छी अच्छी होम रेमेडी शेयर की हूँ, दादी माँ के बताए हुए घरेलू नुस्खे भी है, तो आप चेकआउट जरूर करिएगा। पर अगर आपका एज 20 साल से ऊपर का है तो हर कोई इसे अपने फेस पे लगा सकता है, चाहे एक आप महिला हैं या पुरुष हैं, हर कोई इसका यूज कर सकता है। तो अब इसे फेस पे लगाना कैसे है वो तो मैं लगा करके भी आप लोग को दिखाऊंगी। रिजल्ट आप लोग को दिखा चुकी हूँ कि कितना अच्छा एक काम किया है। आपको इसे रात में लगा करके छोड़ देना है, ठीक है? जब आप रात को सोने जाती हैं रात में लगा करके ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपकी स्किन को नुकसान करेगा। इसमें हम जो पोटैटो का जूस लिए थे उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होता है और साथ में उसमें स्टार्च भी होता है, तो बालों को क्लीन करने के साथ साथ ये आपके स्किन को टाइट भी करे। बहुत सारी महिलाएं अपने फेस पे जो थ्रेडिंग कराती हैं तो स्किन ऐसे लटक जाता है, ऐसे लूज हो जाता है। तो अगर ये समस्या आपके साथ है तो इसे आप लगाइएगा, ये आपके फेस पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो अभी क्लीन करने के लिए हम कॉटन को भिगो लिए हैं, उसके बाद फिर जहाँ पे हम इसे लगाएंगे उस एरिया को सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, ठीक है जी? वैसे मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कॉटन पूरी तरह से क्लीन है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने फेस को क्लीन करके ही कुछ भी लगाती हूँ, फेस वॉश करके ही मैं आई हूँ। क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम काफी ज्यादा है ना, तो फेस पे इतना ज्यादा पसीना होता है, ऊपर से जो मेरा स्किन है बहुत ज्यादा ऑयली है तो फेस पे पसीना बहुत जल्द आ जाता है, स्किन चिपचिपी सी हो जाती है, तो इसलिए मैं फेस को क्लीन कर ले रही हूँ ताकि इसका रिजल्ट मुझे बेहतरीन मिले, ठीक है? तो फेस को क्लीन कर लीजिएगा आप भी। बहुत सारी महिलाओं के यहाँ ठूठी पे इतने बड़े बड़े हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा बाल नहीं होता है, 5-10 होता है, लेकिन उसका जो लंबाई होता है इतना बड़ा बड़ा होता है, अजीब सा लगता है देखने में बिल्कुल भी, मतलब कि देख करके सामने वाला अजीब सा रिएक्ट करता है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आप इस तरह का घरेलू रेमेडी अपने फेस पे लगाएंगी ना तो ये आपके फेस पे मैजिक की तरह काम करेगा। हम इसे लगाएंगे, इस तरह का घरेलू रेमेडी इस चैनल पे शेयर होता रहता है, तो न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी होम रेमेडी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और जो भी मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा सारा यूनिक होता है और सबसे अलग होता है, और यूज करके अपने फेस पे देखती हूँ उसका रिजल्ट मुझे बेहतर मिलता है, तो आप लोग के लिए वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो अभी इसे हम लगा लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसे लगा करके हम छोड़ेंगे, उसके बाद से मैं आप लोग को क्लीन करके दिखाऊंगी कि कितना अच्छा है फेस पे काम किया है। तो सबसे पहले हमें एक उंगली का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से सबसे पहले यहाँ की स्किन को प्रेस करना है, जब ये सूख जाता है तब ये काम करना है आपको, और इस तरीके से गोल गोल करके आपने घुमाना है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके फेस पे चींटी काट रही है, क्योंकि बाल जब जड़ से निकलेगा तो हल्का फुल्का दर्द होता है, तो परेशान मत होइएगा,
आपने इस तरीके से मसाज कर लेना है। जो छोटे छोटे रोवे थे ना मेरे फेस पे अपर लिप पे, काफी सारा उंगली में आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। मसाज करते हुए ही रिमूव करिएगा, पानी से धूल मत लीजिएगा, नहीं तो फिर ये आपके फेस पे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मसाज करते हुए इसे, सच में बहुत अच्छा इसका बेहतरीन रिजल्ट आया है। हो सकता है कि आपके फेस पे एक बार में काम ना करे, ठीक है, फिर आप इसे कई बार अपने फेस पे लगाइएगा। रिजल्ट आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद कैमरा में आप लोग को उतना ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा इसने काम किया है। काफी सारा हेयर्स कॉटन में भी आ गया है, अभी मैं आप लोग को पास से दिखा रही हूँ, तब आपको यकीन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्किन कितना फेयर दिख रहा है, क्योंकि आलू का रस था जो हमारे स्किन को ब्लीच करने का काम करता है, फेयर भी करता है। बहुत अच्छा इसने काम किया है, जितना भी मैं इसका धन्यवाद बोलूं उतना कम है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, आप भी इसे लगा करके देखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पे देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो। प्लीज वीडियो को लाइक भी किया करिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पे देखने को मिलेगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।